अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, आजकल की शदीद गर्मी से हम सब परेशान हैं। ऊपर से लोड शेडिंग इंसान का बुरा हाल कर देती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे मुल्क में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? दोस्तों, पिछले 12 महीनों में हमारी दुनिया में 26 दिन ज़्यादा गर्मी हुई है। ये दुनिया के हर कोने में देखा गया है। हमारे मुल्क में तो मई के महीने में ही टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया था और इंडिया के कैपिटल दिल्ली में भी इन दिनों टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा देखा गया। दुनिया भर में समंदरों का टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई है। यहाँ तक के कहा जाता है कि पिछला साल यानी 2023 हालिया तारीख का गर्म तरीन साल था, और अब पता नहीं 2024 में क्या होने वाला है। अब ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि सिर्फ हमारे मुल्क में ये मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया गर्म होती जा रही है। आज से अगर 150 साल पहले का कंपैरिजन किया जाए तो हमारी दुनिया 1.36 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है। लेकिन क्यों, इसकी क्या वजह है? दोस्तों, इसकी वजह हम सब हैं। आए अब चलते हैं, क्लाइमेट चेंज को समझते हैं। दोस्तों, पिछले 300 सालों में हमारी दुनिया में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। इसकी वजह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से आ गई? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 1760 में यानी आज से तकरीबन 260 साल पहले बर्तानिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। इसका आसान मतलब ये है कि जो लोग हाथों से काम किया करते थे, अब वही काम मशीन के जरिए किए जाने लगे। नई नई मशीन्स दुनिया में बनना शुरू हो गईं। इसकी शुरुआत टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शुरू हुई थी, जहाँ कपड़े वगैरह बनाने में मशीन का यूज़ होने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी को कहते हैं। ये बर्तानिया से शुरू हुई थी और फिर दुनिया के कोनों में पहुंची। इसलिए 18 सेंचुरी के एंड में बर्तानिया एक सुपर पावर बन चुका था। अब दोस्तों, दुनिया को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन यहीं से क्लाइमेट चेंज का ख़तरा भी शुरू हुआ। देखे, जब हमने मशीन का इस्तेमाल शुरू किया तो हम इंसान फॉसल फ्यूल को ज़्यादा बर्न करना शुरू हो गए, तेल, गैस और कोयला वगैरह। इसकी मिसाल ये है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई तो बर्तानिया कोयले को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गया, जैसे कि शिप्स को और ट्रेन्स को कोयले की मदद से चलाया जाता था। फैक्ट्रीज को भी कोयले की मदद से एनर्जी दी जाती थी और घरों को भी कोयले का इस्तेमाल करके गर्म रखा जाता था। अब दोस्तों, इससे हुआ क्या? हुआ ये कि हमारी फिजा में कोयला जलने से हवा में गैसेस फैलना शुरू हो गईं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह। इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो तेल, गैस और कोयले की वजह से हमारी फिजा में फैल जाती हैं। इसका नुकसान ये होता है कि ये गैसेस हमारी दुनिया को किसी कंबल की तरह लपेट लेती हैं। और दोस्तों, जो सूरज की हीट होती है, जो हमारी दुनिया से निकलकर खला में जाती है ताकि ज़मीन थोड़ी ठंडी हो जाए, ये गैसेस उसी हीट को हमारी दुनिया से बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी दुनिया का टेम्परेचर गर्म रहता है। अब मसला ये है कि ये जो गैसेस का कंबल दुनिया के इर्द गिर्द मौजूद है, ये और भी थिक होता जा रहा है, जिससे हमारी दुनिया हर साल मजीद गर्म होती जा रही है। इसके कई नुकसानात और भी हैं, जैसे कि जब गर्मी बढ़ती है तो हवा में मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बारिशें ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं और सैलाब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी सैलाब आते देख चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के कई इलाकों में इस गर्मी की वजह से कहत भी आ जाता है, और तूफान जैसे कि हैरिकेन्स में भी शिद्दत आ जाती है, क्योंकि हैरिकेन्स अपनी एनर्जी समंदर के गर्म पानी से लेते हैं। दोस्तों, नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर शदीद गर्मी में कुछ अजीब देखा गया। एक जंगल के अंदर कई चमगादड़ नीचे गिरकर मरी हुई थी। पता ये चला कि ये चमगादड़ गर्मी की वजह से मरी हैं। हालांकि चमगादड़ अपने आप को हीट में अडॉप्ट कर लेती हैं, लेकिन चमगादड़ भी इस शदीद गर्मी की लहर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। 11,000 चमगादड़ गर्मी की इस लहर में मारी गई थी। यानी हम इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी क्लाइमेट चेंज का शिकार बन रहे हैं। अगर हम ग्रीनलैंड चलें, जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, ग्रीनलैंड की 80% ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है, लेकिन आज यहाँ भी क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। यहाँ बर्फ़ पिघल रही है, ग्रीनलैंड जैसी बर्फीली जगह पर भी अब गर्मी हो रही है। यहाँ इतनी गर्मी आज तक नहीं देखी गई। इस जगह सिर्फ 55,000 लोग रहते हैं। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस बर्फीली जगह पर सब्ज़ियाँ उगा सकेंगे, और आज ये यहाँ सब्ज़ियाँ तक उगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसी तरह दुनिया में बर्फ़ पिघलती रही तो दुनिया भर में समंदरों में पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा,
और ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के कई जजीरे समंदर में डूब चुके हैं क्योंकि पानी का लेवल उन जजीरों से ऊपर चला गया है। बहरहाल यही वजह है कि शदीद गर्मी की लहर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी जा सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। बाकी आप क्या इस बारे में सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।